नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। देखिए, दिवाली पर्व की शुरुआत हो गई है, आज धनतेरस है, लोग पटाखा फोड़ना शुरू कर दिए हैं और जिम्मेवारी बिहार पुलिस के हाथों में है, फायर ब्रिगेड टीम के हाथों में है। फायर ब्रिगेड किस तरीके से तैयारियां की है, अग्निशामक किस तरीके से तैयारी की है, कहीं आग लगती है तो उससे निपटने के लिए। हमारे साथ बात करने के लिए फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हैं अजीत कुमार जी। सर, किस तरीके से तैयारियाँ की गई है, सबसे पहले तो हम पटना वासियों को, बिहार वासियों को दिवाली पर हम बधाई देंगे कि आप अच्छे से दिवाली मनाएं और आपको खुशी के लिए हम लोग तत्पर हैं। बिल्कुल चौक चौराहे पर हमारे अग्निशमन वाहन हैं जो बिल्कुल प्रतिनियुक्त रहेगी आपके सेवा के लिए। और मान लीजिए कहीं आग लगती है तो उस जगह पर हमें अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग जितने भी पटना में हाइड्रेंट है सभी को मैंने एक बार जा करके चेक कर लिया है, उसका फ़ोटो वीडियो सब एक बार बना लिए हैं और सभी अपडेट कर लिया गया है। गाड़ी जितने भी है हम लोग उसमें पानी, मोबिल, तेल सभी को पर्याप्त मात्रा में जो भी है उसको हमने अपडेट कर लिया है। बाकी हम पटना वासियों को हम एक अनुरोध करेंगे कि जब भी दिवाली के अवसर पर पूजा करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो पूजा करने वक्त बहुत सारे दीपक, कैंडल, अगरबत्ती जलाते हैं, तो उसको ऐसे जगह ना जलाएं जिससे कि कभी इधर उधर चिंगारी चली जाए और आग लग जाए जिससे आपकी दिवाली ख़राब हो जाए, मैं ये अनुरोध करूँगा। दूसरा चीज़, पटाखे जलाते हैं तो कम से कम पटाखे जलाएँ और पर्यावरण प्रदूषित रहित पटाखे ही जलाएं ताकि प्रदूषण कम हो। और पटाखे जलाते भी हैं तो पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर पानी रखें और हाथ से पटाखे नहीं जलाएं और पटाखे जला करके किसी दूसरे को घर में या गली में नहीं फेंके ताकि दूसरे लोगों को नुकसान हो जाए। आप पटाखे जलाते सुरक्षित स्थान पर जलाएं और बच्चे को कदापि पटाखे को जो है उसको स्वतंत्र रूप से जलाने नहीं दें, अपने सामने रह करके पटाखे जलाने का उनको मौका दें। सर, कंट्रोल रूम में किस तरीके से तैयार किया, कितने फोर्स लगाए, कितने बल को तैनात किए गए हैं? कंट्रोल रूम में देखिए हमारे लगभग 15 जवान तैनात रहते हैं। यहाँ पर दो कंट्रोल रूम है और एक फायर स्टेशन की ड्यूटी चलती रहती है, जिसमें स्टेट कंट्रोल रूम है वहाँ पर दो कर्मचारी हमेशा ड्यूटी में रहते हैं और 24x7 रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में भी वही एक कर्मचारी रहते हैं और 24x7 रहते हैं। और कोई भी कॉल आती है यदि पूरे स्टेट से, मतलब किसी भी जिला से स्टेट कंट्रोल रूम में, तो वो संबंधित जिला को फिर फॉरवर्ड कर देते हैं। और एक पटना के लिए जो स्पेशल कंट्रोल रूम बना हुआ है वो सिर्फ पटना डिस्ट्रिक्ट को देखता है, अदरवाइज यदि कोई गलती से आ गई कॉल दूसरे जिला का तो उसको भी फॉरवर्ड संबंधित जिला में उसको कर देते हैं। सर, कितनी गाड़ियाँ तैनात की गई हैं पटना में, कितनी गाड़ियाँ तैनात की? पटना में यदि टोटल देखा जाए तो लगभग 80 गाड़ियां प्रतिनियुक्त रहेगी अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। 80 गाड़ियां प्रतिनियुक्त? जी, हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप दिवाली मनाएं खुशी से रह करके और अपने आग को नियंत्रित में रह करके। आग को ऐसे एक देखा जाए तो एक अपने जीवन के लिए जीवनदायिनी भी है और वो हमारे लिए अभिशाप भी है। यदि आग को आप अपने नियंत्रण में रख करके यूज करते हैं, पटाखे को अपने नियंत्रण में रख के यूज करते हैं, तो हमें खुशी मिलेगी, हमें मतलब एक तरह से जीने का जो उम्र है वो बढ़ेगी, खुशी इसीलिए लोग मनाते हैं। और यदि वही आग अनियंत्रित हो जाती है तो हमारे जान माल को बहुत नुकसान पहुँचा सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये है फायर ब्रिगेड ऑफिसर अजीत कुमार, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि 80 गाड़ियां पटना में प्रतिनियुक्त रहेगी, अलग अलग थाने में रहेगी, कहीं आग लगने की सूचना होती है तो वो गाड़ियां जल्द से जल्द पहुंचेगी। और भी इन्होंने लोगों से अपील किया है कि लोग जब दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, तो जब तक दिया बुझे ना वहाँ पर अवेलेबल रहें, और पटाखे छोड़ते हैं तो कम से कम वहाँ 20 से 25 लीटर पानी रख कर छोड़े। और भी इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।